महादेव जी कह रहे हैं, मुझे पता है कि कभी कभी आप परेशान महसूस करते हैं। मुझे पता है कि आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन के बारे में भय और भ्रम से कांपते समय में देखता हूँ। मुझे पता है कि आप अक्सर अकेलापन और डर महसूस करते हैं। इसलिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, कि आपकी पीड़ा मेरे कानों और मेरे दिल तक पहुँचे। अपने दर्द और पीड़ा को कभी भी अनसुना न होने दे, एक पल के लिए भी नहीं। हर आंसू और चिंता का हर पल मेरे दिल को चुभता है। मेरा दिल आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले सभी दुखों से खून बह रहा है। आप सोच सकते हैं कि मैं आपकी चीखें नहीं सुन सकता, लेकिन ये जान लें कि मैं न केवल आपके दर्द की चीखें सुनता हूँ, बल्कि मैं आपके साथ रोता हूँ और हमारी पुकार स्वर्ग में हमारे महादेव जी तक पहुँचती है। महादेव जी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान आपका महादेव जी है, वो आपसे प्रेम करता है और आपकी चुनौतियों में आपकी सहायता करना चाहते हैं। भगवान का प्यार निरंतर है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ये पूरा वीडियो देखें। एक दिन ऐसा आएगा जब महादेव जी आपको अतीत के दर्द को भुलाने वाला होगा। वो इतने अद्भुत तरीके से इसकी भरपाई करने जा रहे हैं कि आपको याद नहीं रहेगा। आप ये सोचकर नहीं जागे कि आपको किसने चोट पहुंचाई, आप ये सोचकर जाग जाएंगे कि आप कितने धन्य हैं। आप भारीपन के साथ नुकसान से निराश होकर दिन नहीं गुजरने वाले हैं। महादेव जी चीजों को उस ओर मोड़ने जा रहे हैं जहां आप सोच सकते हैं कि आप कितने कृतज्ञ हैं। आपको एक गहरी संतुष्टि मिलने वाली है और एक ऐसा आनंद जिसे आप बयां नहीं कर सकते। यदि आप महादेव जी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। 5 चीजें आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी, मुझे वहां ले जाएं जहां आप चाहते हैं कि मैं आपकी ब्रह्मांड के द्वारा जाऊं। क्षमा पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूँ। विश्वास के लिए पूजा करो। महादेव जी, मुझे विश्वास करने में मदद करें कि आप करेंगे मेरी जरूरतें पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। महादेव जी, मुझे उस शांति से घेर लें जो आप प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें, क्योंकि आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिव पर टिप्पणी करें। महादेव जी आपका स्वर्गीय महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान के स्वरूप में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके भौतिक शरीर का निर्माण किया, वैसे ही आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा का निर्माण किया। इसलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक संबंध का अर्थ है कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तब आप उसकी ओर मुड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह आपको चोट पहुंचा सके, इसे अनंत काल के लिए मेरे घायल हिस्से पर रखा गया था। मैंने तुम्हारे सारे दुखों, लज्जा और भय को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने ये सब मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे उठाया और मुझे, उनके पुत्र को, सभी के ऊपर महिमा दी। इस कारण से सबसे ऊपर इसलिए मैं आया हूँ। यदि महादेव जी से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम अच्छे बनने से न थकें, क्योंकि यदि हम हार नहीं मानते हैं तो उचित समय पर हम आशीर्वाद की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं, इसलिए दुश्मन आप पर अपना सब कुछ झोंक रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीषों की फसल काटेंगे। जो कोई इसे अभी देख रहा है, मैं आशा और पूजा करता हूँ कि 2023 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर वित्त, जून आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसरों, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली संख्या 2222 अगले 12 घंटों में आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, जो अपने साथ ढेर सारा प्यार, दौलत और सेहत लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2222 टाइप करें।
मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में इतना कुछ कर चुके हैं, अगर लोग इसका आधा ही जानते हैं। आप हर सुख दुख में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यार और देखभाल करने वाले दिल के कारण आप कई बार आहत हुए हैं। आपने अपने दरवाजे भी खोल दिए और उन जिम्मेदारियों को भी ले लिया जो दूसरों की थीं। फिर भी तुम लोग मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। आप नहीं जा रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं। इस वर्ष तुम्हारे पूरे घर को मेरे हाथ से छुआ जाने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इन चार बातों को याद रखें। एक, जिस चंगाई की आपको आवश्यकता है वो आ रही है। दो, आपको जो पैसा चाहिए वो आ रहा है। तीन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। चार, मेरे सही समय पर विश्वास करो। महादेव जी के पास हर मौसम के लिए अनुग्रह है। कितनी बार महादेव जी ने आपको धोया है और आपको इसका पता नहीं चला? आप अभी पीछे मुड़कर देख सकते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से निकाला। आपके पास वो ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। वो आपको हानि के माध्यम से ले गया। ये दर्दनाक था, लेकिन गहरे में आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम थे। वो आपको कानूनी लड़ाई में ले गया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे ले सकते हैं, लेकिन दिन ब दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। यहाँ आप दूसरी तरफ धन्य, स्वस्थ और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ? यदि महादेव जी आपको वापस ले गए थे तो वो अब आपको ले जाने वाले हैं। आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं वो दुर्गम लग सकता है, लेकिन यह आपको हराने वाला नहीं है। आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाए जा रहे हैं। महादेव जी मेरे साथ है। टाइप करें शुभ अंक 888। जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरेखित होता है। एक बार जब आप उस उच्च शक्ति में विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और बस दिन भर अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। आप चीजों को होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं बहते, तुम नदी के साथ बहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी वास्तव में बुरा लग सकता है, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि उन बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ संरेखित और जुड़ा हुआ है। विश्वास हो तो 888 टाइप करें। मंगलवार के दिन सुने और दूर हो जाए सारी चिंताएं। मेरे साथ पूजा करो। प्रिय महादेव जी, मैं आपके सामने झुके हुए सिर और विनम्र हृदय के साथ आता हूँ। मुझे पता है कि आप इस दुनिया के निर्माता हैं और आपके हाथ में सारी शक्ति है। मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ एक रिश्ता चाहते हैं। मेरा दिल भारी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भलाई के बावजूद मैं पटरी से उतर गया हूँ। मैंने कुछ गलत मोड़ लिए हैं और उन चुनावों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। मैं आपके साथ सही रिश्ते में रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं मांगता हूँ तो तुम मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य हो। मैं अभी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ भगवान, और मैं पूछता हूँ कि आप मेरे साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं ऐसी गलतियां न करना जारी रखूं जो मुझे आपके प्यार और सुरक्षा से दूर खींचती हैं। भगवान, कभी कभी मैं रास्ते से भटक जाता हूं, क्योंकि मैं दुश्मन को उसके धोखे से मुझे लुभाने देता हूं। वो मुझे सांसारिक संपत्ति से लुभाता है जिसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। वो मुझे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका तरीका बेहतर है। मैं आपको अपने महादेव जी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रक्षक, नेता, प्रदाता, रक्षक और परामर्शदाता बने। मेरे महादेव जी के रूप में मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं और आप पर विश्वास करूं। कृपया मुझे ऐसा करने में मदद करें। मैं आपके सिवा किसी का अनुसरण नहीं करना चाहता। कृपया मुझे बल दें ताकि मैं शत्रु का सामना कर सकूं और उसे भगा सकूं। कृपया मुझे अपनी आत्मा से भरें और इसे हर दिन मेरा मार्गदर्शन करने दें। मैं विश्वास करता हूं कि महादेव जी पर मरे और मुझे अनंत जीवन देने के लिए कब्र से उठे उद्धार के उपहार के लिए धन्यवाद। आपके पास मेरे लिए जो योजनाएं हैं, वे मुझे महादेव जी के समान बनाने की हैं, ताकि मैं आपके साथ अनंत जीवन बिता सकूं। मेरा नेतृत्व करें और मुझे दिखाएं कि आपके लिए कैसे जीना है और कैसे आपको मेरे माध्यम से जीने देना है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गॉड इट्स को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।